जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। ये था गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह। रहा है ऋषि मुनियों का ये प्रदेश, वाल्मीकि मुनि के आश्रम का ये प्रदेश, लिच्छवियों का ये देश, बुद्ध और बौद्धों का ये प्रदेश, अशोक और अशोक स्तंभों का ये प्रदेश, सदा से अपनी पहचान बनाए हुए था। आधुनिक काल में 1765 में शाह आलम ने अपनी हार के बाद चंपारण को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जो कि बाद में चार बड़े जमींदारों को बांट दिया गया। धीरे धीरे अंग्रेज ठेकेदार बीतिया महाराज से जमींदारी का ठेका लेकर अपनी कोठियां लगाते गए। नील की खेती हिंदुस्तान के लिए नई नहीं थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी व्यापारियों ने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जो मानवता को शर्मसार करने वाले थे। ब्रिटिश उपनिवेश में नीलहे गोरे जमींदार और व्यापारी नील से अकूत मुनाफा कमाते थे, पर नीले रंग में गरीब किसानों के लाल खून का रंग मिला हुआ था। दीन बंधु मित्र द्वारा 1860 में लिखित नाटक नील दर्पण ने शोषित किसानों के दर्द को उजागर कर दिया था। बंगाल में तहलका मच गया था, इसकी गूंज इंग्लैंड तक पहुंची। नील फैक्ट्री के अमले दानवी अत्याचार के नमूने थे, वे सचमुच किसानों की चमड़ी उधेड़ रहे थे। अबवाब, पैन खर्चा, चहरबेशी, हर्जा, तावान, हुंडा, सलामी, तीन कठिया, लगान, बांध बहरी, बेला भट्टी तो वसूले ही जा रहे थे। किसान के मरने पर बपही पूतही नाम का मृत्यु कर भी लिया जाता था। 1907-08 में भी मिल मालिकों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें 50 मुकदमे हुए थे और 250 लोग जेल गए थे। इन सब से एक शख्स बहुत दुखी था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और उसने अंदर ही अंदर प्रण ले लिया था कि इस रक्त रंजित अश्रु मिश्रित नील के धब्बों को सदा सदा के लिए धो डालेगा। वो कानपुर के प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर उन्हें नीलहों का सारा वृतांत सुनाया। 4 जनवरी 1915 के प्रताप में चंपारण में अंधेरा नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ और उन्होंने शुक्ल जी को गांधी जी से मिलने की सलाह दी। इसके बाद वो पुनः 1916 में
लखनऊ गए जहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक साल पहले हिंदुस्तान लौटे थे और यहां की परिस्थिति से रूबरू हो रहे थे।